हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी फ्रेंड्स? आई होप आप सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और मैं भी ठीक हूँ। और मेरी आज की वीडियो है वॉशिंग की वीडियो है। वॉशिंग देखिए, मैं हैंड वॉशिंग कर रही हूँ। थोड़ा बहुत कपड़ा है, आज विंटर सीजन है, तो इसलिए मैंने मेरे जो वूलन क्लॉथ है वो थोड़ा आज वॉश कर रही हूँ। दो चार दिन से अभी वॉशिंग का काम चलेगा। कल भी बहुत सारा कपड़ा धोना पड़ेगा। आज थोड़ा सा धोया है, कल भी बहुत सारा धोंगे। तो गाइस, वीडियो जो अगर अच्छा लगे तो आप लोगों को, तो वीडियो को एक लाइक डन कर दीजिए, और न्यू फ्रेंड है तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा न्यू फ्रेंड है तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ, मैं एक बंगाली हाउसवाइफ हूँ। मेरी ज़्यादा इस चैनल पर मैंने ज़्यादा हिंदी ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा नॉन बंगाली फ्रेंड भी है इसलिए, और बंगाली वीडियो भी है लेकिन थोड़ा कम है। गाइज, मैंने बहुत आप लोग ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, दीदी आप सारी ब्लॉग ज़्यादा करो, तो सारी ब्लॉग तो मैं करती हूँ। इतना तो आप लोग देखते नहीं हैं, देखता भी है तो लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं। तो गाइज, मैंने खाना बना लिया, खाना बनाया, अपने बेटा को नहा दिया, उसके बाद मैंने आया ये कपड़ा वॉश करने के लिए। खाने में आज मैंने बनाया क्या, सुबह में नाश्ते में था रोटी और बैगन। बैगन को मैंने थोड़ा बर्न करके किए है। और देखिए, अभी अभी मैंने नहा के आ गया, कपड़ा धोना कंप्लीट होने के बाद ही मैंने नहा लिया, फ्रेश होकर मैंने आ गया है। जो कपड़ा मैंने वॉश किए है उसको, उस सब सारे कपड़ों को अभी छाद में डालना है, तो जाऊंगी। और हिंदी मुझे बहुत अच्छा आते भी नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे न्यू फ्रेंड्स से। जो ओल्ड फ्रेंड्स है वो लोग तो जानते ही है। और देखिए, मैंने मेरे गालों पर ये पिंपल आ गया है, मेरा हर साल भर ये पिंपल चलते हैं, कभी इस गल कभी उस गल, कभी फोरहेड पर इधर उधर, बस ये पिंपल मेरी पीछा नहीं छोड़ते हैं, क्या करूं। तो गाइस, खाने में जो था, सुबह में बैगन भरता और रोटी बनाया, उसके बाद बनाया दाल, मिक्स्ड वेजिटेबल्स, और बनाया बीन्स की सब्जियां, और रुई फिश ओ करी बनाया है। मेरे घर में हर रोज़ एवरी डे चार पांच, कभी कभी सिक्स आइटम का भी खाना बनती है। मैं भी बनाती हूँ और मम्मी जी भी मेरे साथ में होते हैं, हम दोनों मिलकर ही बनाते हैं हमेशा। तो देखिए, मैंने छाद में कपड़ा डालने आ गई हूँ और मेरे बेटा भी मेरे पीछे पीछे आ गई है। तो ये अभी कोल्ड ना, दो दिन से बहुत ही ज़्यादा पड़ गया है। इतना दिन थोड़ा हल्का हल्का था, ठंडा था लेकिन हल्का था, बस दो दिन से बहुत ही ठंडा हो रहा है। धूप में आने से थोड़ा आराम लगता है, बट मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। मैं सोचती हूँ चलो छत में जाकर दो चार मिनट, दस मिनट बैठ जाऊँगी, उसके बाद क्या सोचती हूँ, सोचती हूँ छोड़ दो ये दस मिनट जब मैं धूपा में वेस्ट करूँगी तब तक मेरे ये काम हो जाएगा। ये हर हाउसवाइफ का ही एक ही पिक्चर है, पहले काम करो उसके बाद आराम करो। देखिए, ऊपर में दो बर्ड्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना दोस्त। तो गाइस प्लीज़, मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप लोग फुल तक वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक डन कर दीजिए, और उसके बाद वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए आपका फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, अदर्स जो है आपको जान पहचान। तो मेरी ये न्यू चैनल है, मुझे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें तो मैं थोड़ा आगे बढ़ पाऊँगी। तो कपड़ा डालने, नहाना तो हो गया है, कपड़ा डालने के बाद मैं जाऊंगी घर में जाऊंगी, घर में जाकर थोड़ा भगवान जी से प्रे करना है और उसके बाद लंच करना है।
अभी तो दिन थोड़ा सा छोटा है ना, बहुत ही छोटा है, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है, डे बहुत जल्द निकल जाता है। लंच करते करते देर 2 बज जाता है, क्या करूँ। सुबह में नाश्ता करते करते 10 हो जाता है। इसलिए लंच थोड़ा देर से होता है, लंच करने करने 2 बज जाता है, भूख नहीं लगता है ना, 10 बज जाता है ब्रेकफास्ट करने में, इसलिए लंच भी थोड़ा देर हो जाता है, क्या करूँ। तो गाइस इतना टाइम मेरे साथ मेरे वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक सभी फ्रेंड खुश रहे प्लीज़। न्यू फ्रेंड है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। और गाइस ये है हमारी गार्डन, गार्डन में देखिए कितना सारा फ्लावर्स है। तो पिछले साल जो फ्लावर्स हुआ था ना, इस सीज़न का जो फ्लावर्स है, गादा फूल बोलता है, तो बहुत हुआ था, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर और बड़ा बड़ा था। लेकिन इस साल ना बहुत छोटा छोटा हो गया और बहुत कम भी हुआ है, मालूम नहीं क्यों ऐसा हुआ इस साल, लेकिन फिर भी आप लोगों को साथ शेयर किया। ये थोड़ा शाम का जो पीक है, ये शाम तक अच्छा लगता है जब गाछ में फूल होता है।